हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुक स्टार। और मैं हूँ रुकसार। सो कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टोटल शादी वाले आउटफिट्स। सो जो भी मेरे पास ड्रेस मटेरियल्स हैं यहाँ पर, सभी आप किसी भी वेडिंग फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में, नॉर्मल फंक्शन है आप उसमें भी वेयर कर सकते हैं। एक आध हैवी ड्रेस है जो कि आप हैवी फंक्शन में किसी में ड्रेसअप कर सकते हैं। सो सारे ही ड्रेस मटेरियल्स यहाँ पर मेरे पास हैं। हेयर हैव दीज टू, और भी हैं मेरे पास काफ़ी सारे डिज़ाइनर पीसेस भी हैं। तो टोटल 4 और 5 ड्रेसेस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इन सभी के लिंक्स आपको मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक लिंक मिलेगा आपको माय हॉल स्टोर का, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि क्या क्या मैंने परचेज करी हैं, और मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स भी आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट ड्रेस जो है वो है इस टाइप की व्हाइट कलर की ड्रेस, और ये करिश्मा कपूर इंस्पायर्ड ड्रेस है गाइज, उन्होंने ये वेयर किया था। तो सारे ये जो ड्रेस मटेरियल्स हैं मुझे इस तरीके के पैकेट में रिसीव हुए हैं चेन के साथ। तो आप जब भी इसे वॉश करके, मतलब दोबारा से अगर आपको रखना है तो आप इसे इसी पैकेट में दोबारा से रख सकते हैं, आयरन वगैरह करवा के इधर उधर आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो फर्स्टली मैं आपको दिखाऊँ ये कुछ इस तरीके का, और वाइट फैब्रिक जो होता है ना बहुत ही संभाल के आपको रखना पड़ता है। ये देखिए इस तरीके का आपको ड्रेस मटेरियल पूरा रिसीव होगा यहाँ पर। ये मुझे सेमी स्टिच्ड रिसीव हुआ है गाइस, तो मुझे इसे अपने नाप के अकॉर्डिंग सिलवाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, दुपट्टा इज वेरी प्रिटी। ये है इसका नेक पर काम गाइस, बहुत ही खूबसूरत सा एम्ब्रॉयडरी का वर्क हो रखा है, और नीचे वाली साइड्स पर इस तरीके की चुन्नटें डली हुई हैं पूरे में। और ये जो मटेरियल है ये जॉर्जेट का मटेरियल है, बहुत ही अच्छा वाला जॉर्जेट मटेरियल है, मतलब सॉफ्ट वाला फैब्रिक है ये काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर आप देखेंगे ना पूरा नीचे तक ऐसे ही ये स्ट्रेट पैटर्न में पूरा नीचे तक जा रहा है, और जैसा उन्होंने पहना है बिल्कुल वैसा ही ये मुझे रियलिटी में रिसीव हुआ है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा जब मैं इसे पूरा आपको पहन कर दिखाऊँगी ना, वेयर करके मैं जब भी इसे स्टिच करवाऊँगी या फिर करूँगी तो मैं आपको इसे पहन के इंस्टाग्राम पर इसकी पोस्ट अपडेट करूंगी। क्योंकि इससे मैचिंग मैंने एक जूती भी खरीदी है, मल्टी कलर की है वो, तो इसके साथ में उसको पेयर करूंगी। मतलब जब भी मैं सूट कोई ले लेती हूँ ना तो मेरे दिमाग में चलता रहता है यार इससे मैच करके मैं ये चीज पहन सकती हूँ, इससे मैच करके मैं ये चीज ले सकती हूँ। सो अभी मैं गई थी एक मदनगीर मार्केट। सो आपने हॉल भी व्लॉग भी देखा होगा आई थिंक, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो इसके बॉटम पर इस तरीके का डिजाइन है गाइज, व्हाइट कलर का ही पूरे में। ये देखिए व्हाइट कलर के थ्रेड के साथ बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है ऑल ओवर। फिर ये पूरा इसका फ्रंट वाला पार्ट है। इसका जो बैक पार्ट है वो आपको, ऊपर वाला पार्ट तो बिल्कुल प्लेन मिलेगा, बट इसका जो नीचे वाला पार्ट है उस पर आपको बिल्कुल एज इट इज पूरा काम मिल रहा है, जैसे हमारे फ्रंट वाले पार्ट पे था वैसा ही काम आपको बैक वाले पार्ट पे भी मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ आपको लाइनिंग भी अटैच मिल रही है, तो आपको अलग से लाइनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। कि काफ़ी सारे सूट्स होते हैं उसमें हमें अलग से लाइनिंग परचेज करनी होती है, देन हमें इसे लगाना होता है। सो ऑल ओवर ये सूट काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, इसके नेक पर बहुत ज्यादा अच्छा सा डिजाइन है। तो यहाँ पर आप सिंपली अपना नेक बनवाएं और ये रेडी टू वेयर हो जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं इसके स्लीव्स की। स्लीव्स आपको यहाँ पर फुल स्लीव्स मिल रही है, बट ये स्टिच करने के बाद ये 3/4 स्लीव्स हो जाएंगे। रहे स्लीव्स पर भी आपको इस तरीके का ये पूरा काम मिलेगा। ये देखिए पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, दबी हुई एम्ब्रॉयडरी है, कहीं ऊपर से कुछ आपका इस पे लेस वगैरह नहीं लगा हुआ है, ये आप देखेंगे ना तो पूरा एम्ब्रॉयडरी हो रखा है अंदर तक। और ये भी आपके छोटे छोटे यहाँ पर व्हाइट कलर के थ्रेड के साथ पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। ये ड्रेस मटेरियल मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सो अब बात करते हैं इसके प्लाजो की। इसका प्लाजो मुझे स्टिच रिसीव हुआ है गाइज, ये देखें ऊपर इस तरीके का इलास्टिक है, और पूरे में जैसे हमारा व्हाइट थ्रेड वाला वो पार्ट था, बहुत ही अच्छा सा मटेरियल है ये गाइज। जो जॉर्जेट का मटेरियल है वो बहुत ही अच्छा है। और ये देखें यहाँ पर एक लेयर जैसा आपको स्ट्रेट पैटर्न जैसा मिल रहा है, जैसे कि इसके स्लीव्स पर है और सूट पर है वैसा ही डिटेलिंग आपको मिल रहा है। तो जब आप इसे पेयर अप करके दोनों साथ में पहनेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा और सोफिस्टिकेटेड सा लुक आएगा। इसको आप किसी भी शादी फंक्शन में पहन सकते हैं, कोई सिंपल सा आपका कोई भी छोटा मोटा फंक्शन है या फिर फैमिली गेट टुगेदर है, अगर आप इसे वेयर करेंगे तो डेफिनेटली यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और वाइट कलर पड़ता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वाइट
बहुत ही एस्थेटिक मुझे लगता है, एंड बहुत ही मुझे लगता है कि मैं कहीं भी पहन कर जा सकती हूँ। ओके सो इसका दुपट्टा भी, अगेन दुपट्टे की बात करें तो दुपट्टा भी वैसे ही सेम मटेरियल के साथ है, और दुपट्टे के फोर साइड्स पर आपको इस तरीके का काम मिल रहा है। ये कौन सा काम कहेंगे इसे, हाँ कढ़ाई है, ये बिल्कुल दबी हुई कढ़ाई है गाइज। ये देखिए मैं आपको जरा करीब से दिखा रही हूँ, ऐसी ही कढ़ाई हमारे सूट में भी है, बॉटम पे भी है, इसके प्लाजो पे भी है। तो आपके फोर साइड्स पर, ये आपको दुपट्टे के फोर साइड्स पर मिलेगी ऑल ओवर। ये दुपट्टा आपका पूरा प्लेन है, बट फोर साइड्स पर आपको ये लेस मिल रही है, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग गाइज। मतलब सूटों की तो ऐसी बहार लगी हुई है मेरे घर में कि पता नहीं क्या शादी वादी पड़ी हुई है। सो बहुत सारे सूट लुक एट दी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने सारे ड्रेस मटेरियल्स हैं यहाँ पर, ओह माय गॉड। सो गाइज नेक्स्ट ड्रेस की तरफ चलते हैं, जरा मैं कैमरे को दोबारा से सेटअप कर लूँ। सो नेक्स्ट जो सूट है वो है एक ड्रेस मटेरियल, ये अनस्टिच्ड है, बिल्कुल अनस्टिच्ड, बिल्कुल न्यूली पैक्ड है ये। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार ओपन करके दोबारा। ये देखें ये नेवी ब्लू कलर का है, नेवी ब्लू कलर बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, पता नहीं क्यों मम्मा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है इसका नेक, नेक पर इस तरीके की आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, एम्ब्रॉयडरी का काम मिलेगा, और इसका जो बॉटम है वो कुछ इस तरीके का है, बॉटम पर आपको एम्ब्रॉयडरी मिल रही है अगेन। ब्लू और पिंक इसकी सलवार का फैब्रिक है तो कंट्रास्ट हो जाएगा, वैसे ही आपको यहाँ पर डिजाइनिंग दी हुई है, पूरा ही कढ़ाई का काम है गाइज, तो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। सो यहाँ पर आपको स्लीव्स के लिए भी अलग से कपड़ा मिल रहा है, ये देखिए आपके फुल फुल स्लीव्स यहाँ पर बन जाएंगे आराम से। ये एक स्लीव का है, ये दूसरी स्लीव का है, और ये जॉर्जेट मटेरियल है, बिल्कुल वैसा ही है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि टोटल शादी वाले आउटफिट्स होने वाले हैं ये, तो शादी में इसी तरीके का, और एक और वीडियो आने वाला है शादी से रिलेटेड ही, मतलब शादी वाले आउटफिट्स होने वाले हैं उसमें, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस वीडियो को लेके। सो डेफिनेटली आप वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इसके साथ आपको मिल रही है ये लाइनिंग का कपड़ा अलग से, फ्रंट आपको इस तरीके का पूरा कढ़ाई वाला मिल रहा है, बैक आपको यहाँ पर प्लेन मिलेगा गाइस, ये आपको बैक यहाँ पर प्लेन मिल रहा है, केवल नीचे की साइड पर इस तरीके का ये पिंक कलर का रिबन टाइप कुछ मिलेगा जो कि आप इसके बॉटम पर लगा सकते हैं। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड निवाह फैशन, ये निवाह फैशन का है, तो आप इनके स्टोर को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो ये हो गई हमारे कुर्ते की बात, अब कर लेते हैं इसके सलवार की बात। सलवार का फैब्रिक बिल्कुल प्लेन है, जैसे ये नॉर्मल चेंटून का फैब्रिक होता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा थिक मटेरियल का है गाइस, जैसे नॉर्मल चेंटून के फैब्रिक्स होते हैं वो वैसा नहीं है। और ये मिला है मुझे पूरा 2.5 मीटर का फैब्रिक, तो इसको मैंने खोल लिया है, और ये सिंपल ही ब्लू कलर का आपको पूरा दुपट्टा मिल रहा है। ये शेंटून नहीं है और ना ही है ये जॉर्जेट, ये है नाजनीन कपड़ा होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट वाला, शिफॉन, हाँ शिफॉन बोलते हैं ना, वो वाला कपड़ा है ये। इसके भी फोर साइड्स पर इस तरीके का रिबन जैसा कुछ लगा हुआ है, और ऑल ओवर आप देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन दुपट्टा है। नेक्स्ट जो है वो एक डिजाइनर पीस है जो कि है ये, तो ये देखें मैंने इसको ओपन कर लेना है इस तरीके से। सो इस पे ऑल ओवर आप देखेंगे तो इस तरीके की थ्रेड और जरी वर्क का काम है, सिल्वर वाले जरी वर्क का काम है, और नीचे की साइड पर ये कुछ इस तरीके का पैटर्न है ब्लू येलो कलर का, और ये आपका टॉप वाला पार्ट हो गया यानी चोली वाला पार्ट हो गया, नीचे से यहाँ से स्टार्ट होती हैं आपकी कलियाँ, और ये सेमी स्टिच्ड मुझे रिसीव हुआ है, तो आपको भी बिल्कुल सेम ऐसा ही रिसीव होगा। पूरा नीचे तक आप देखेंगे तो इसमें बहुत ही हेवी सा, पूरे में ही ऑल ओवर बहुत ही भरा हुआ सा काम है, और ये बिल्कुल दबी हुई कढ़ाई है, कहीं से भी चुभने और गड़ने वाली कढ़ाई नहीं है। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है गाइस कि इसके फ्रंट वाले पार्ट पे तो आपको एम्ब्रॉयडरी एंड पूरा भरा हुआ काम मिल रहा है, बट इसका जो बैक वाला पार्ट है वो आपको यहाँ पर प्लेन मिल रहा है। बट अगर प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ये जो मटेरियल है वो ठीक लगेगा ये। और यहाँ पे है इसकी स्लीव्स, तो स्लीव्स हमारी बिल्कुल पूरी भरी हुई मिल रही हैं आपको, ये देखिए पूरी ही भरी हुई मिलेंगी, अगेन सेम बहुत ही दबा हुआ काम है, फिनिशिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, फिनिशिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है इसकी, दोनों स्लीव्स में आपको ऐसा ही पूरा भरा हुआ काम मिलेगा। यहाँ पर आप फुल स्लीव बनाए, शॉर्ट स्लीव्स बनाएं, अपने अकॉर्डिंग आप स्लीव्स बना सकते हैं, मतलब अगर आपको छोटी बनानी है तो आप इसको यहाँ से कट करके इतना रख सकते हैं, मतलब इतना रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसे कस्टमाइज करवा सकते हैं।
इसके बाद में हमें मिल रहा है इसका प्लाजो। इसके साथ आपको कोई दुपट्टा रिसीव नहीं होगा क्योंकि स्क्रीन पर कुछ भी ऐसा शो नहीं हुआ है कि दुपट्टा भी रिसीव होगा। तो ये है इसका प्लाजो, बिल्कुल स्ट्रेट नॉर्मल प्लाजो है। ये जॉर्जेट मटेरियल है, इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट था ये भी जॉर्जेट मटेरियल था, और ऊपर वाले पार्ट पर इस तरीके की इलास्टिक लगी हुई है गाइस। सो ये हो गया हमारे बॉटम वाले पार्ट की बात, और इसमें अगेन आपको लाइनिंग मिल रहा है। ये हमारा शेंटून के मटेरियल की लाइनिंग है, ये भी आपका बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं होगा। सो ये हो गया हमारे थर्ड वाले ड्रेस की बात। नेक्स्ट एंड जो लास्ट ड्रेस है वो मुझे फोटो में देखने में, मतलब स्क्रीन पे देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अब देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये हमें कैसे रिसीव हुई है। मैंने सारे ही जॉर्जेट मटेरियल्स मंगाए हैं गाइस, तो जो भी अभी मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई ये जॉर्जेट के फैब्रिक के साथ थी, और जॉर्जेट का फैब्रिक लॉन्ग लास्ट होता है, कैसे भी धो लें कैसे भी रख लें बिल्कुल उम्दा हमेशा चमकता रहता है। सो ये भी मेरा नेक्स्ट पीस जो है वो भी फैब्रिक जो है वो जॉर्जेट फैब्रिक ही है। सो ये देखें, ये एक टॉप था जो कि बिल्कुल अम्ब्रेला टाइप में, पेपलम टाइप में दिख रहा था मुझे। सो लेट्स सी कि ये कैसा रिसीव हुआ है हमें। ये एक तो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, मतलब साइड से इसकी बहुत ज़्यादा कटिंग होगी, और अभी आपको शायद डार्क कुछ रेड टाइप का दिख रहा है, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑरेंज टाइप ऑफ कलर है गाइज। ये बिल्कुल रेड नहीं है, बहुत ही लाइट ऑरेंज कलर का कलर है ये। यहाँ पर आपको स्लीव्स जो मिल रही हैं वो इस तरीके की, देखिए स्लीव्स मिलेंगी आपको, ये भी जॉर्जेट मटेरियल है, और दोनों स्लीव्स आपको बिल्कुल प्लेन, मतलब इसका जो ऊपर का टॉप वाला पार्ट और बॉटम वाला पार्ट बिल्कुल आपको ये प्लेन मिल रहा है, और ये पूरा पेपलम है। देखिए मुझे सेमी स्टिच रिसीव हुआ है, मैं फोटो लगा दूंगी साइड में कि ये बनने के बाद कैसा लगेगा। ये देखिए इस तरीके का है इसका टॉप वाला पार्ट, और जिसका बॉटम वाला पार्ट है वो है ये देखिए इस तरीके का। उसमें काफ़ी ज़्यादा घेर नज़र आ रहा था, बट इसमें काफ़ी कम घेर लग रहा है मुझे, बट अब जब हम इसे पहनेंगे तब काफ़ी ज़्यादा सुंदर लुक आएगा। ये भी बिल्कुल प्लेन हमारा ये शरारे स्टाइल में है। ये मैंने बहुत टाइम पहले जब मैं छोटी थी, आई थिंक थर्ड और फोर्थ क्लास में थी, तब मेरी नानी ने मुझे दिलाया था। ये हरे कलर का इसका टॉप था और ऑरेंज कलर का इसका बॉटम था, और बिल्कुल यही चीज़ थी वो, बट उसमें कढ़ाई वगैरह कुछ था, पता नहीं मेरे पास वो फोटो होगा या फिर नहीं होगा। तो काफ़ी सुंदर सी वो ड्रेस थी, और मैंने ईद पे पहनी थी वो ड्रेस, पूरी गली में घूम रही थी, मतलब पूछो मत। वो जो होती है ना यादें होती हैं वो बस याद आ जाती हैं। सो ये है इसका नीचे वाला पार्ट। एनीवेज ये भी आपको जॉर्जेट मटेरियल का मिल रहा है, और इसके साथ जो दुपट्टा है वो बहुत ज़्यादा सुंदर सा है क्योंकि बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है, और ये ऐसे टाइप के जो ड्रेसेस होते हैं ना इनको कैरी करना और कैरी बिल्कुल अच्छे से करना होता है, क्योंकि इसमें एक्सेसरीज आपको क्या पहननी है, सैंडल्स कैसे लेनी है, बैग कौन सा लेना है, दुपट्टे को कैसे ड्रेप करना है, इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना होता है। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करने की सोच रही हूँ कि हाउ टू स्टाइल योरसेल्फ फॉर एनी ओकेजन, या फिर कोई सिंपल सी ड्रेस है तो उसको आप कैसे स्टाइल कर सकते हैं। सो यहाँ पर है इसका दुपट्टा। दुपट्टा वॉज वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि दुपट्टा ही इस पूरी ड्रेस की जान है। दुपट्टा इसका पूरा नेट पर है, दुपट्टे के दोनों साइड्स पर इस तरीके का आपको कटवर्क के साथ डिजाइनिंग मिलेगा। इसके इस वाले साइड पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, प्लेन है जैसे कि आपको फोटो में शो किया था, बट ऑल ओवर आप देखेंगे पूरे में सीक्वेंस का काम मिलेगा, और काम काफ़ी ज़्यादा दबा हुआ है, और जो कटवर्क है हमारा वो पूरा आपका सीक्वेंस पे हो रखा है, सीक्वेंस प्लस जरी का पूरे में काम है, और बहुत ही सॉफ्ट वाला मटेरियल है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे। दोनों साइड्स पर है आपके, अगर आप इसे सर से भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं इस दुपट्टे को, और ये देखें काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा, बट जैसे कि फ़ोटो में है तो ये हम सर पे रख के स्टाइल नहीं कर सकते हैं इस ड्रेस को, इसको आपको कुछ समथिंग अलग तरीके से इसको स्टाइल करना पड़ेगा। और यहीं पर होता है हमारा जो हॉल है वो कम्प्लीट। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आई हो वीडियो तो इसको लाइक करना ना भूलें, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़।